सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं प्राप्त, तुसीं देख रहे हो प्राप्त ब्लॉग। अज आपां गल करांगे गुरद्वारा श्री गोबिंद धाम साहिब जी बारे। यह गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी गोबिंद धाम जो कि सेंटर दे विच बनिया, हेमकुंड साहिब अते गुरद्वारा गोबिंद घाट जी दे सेंटर दे विच। जदों आपां गुरद्वारा गोबिंद घाट तो यात्रा शुरू करते हैं, एक दिन का सफ़र तय करके फिर शाम नूं आपां इत्थे रैसट करदे ते नैक्सट डे आपां यात्रा जिहड़ी ओह गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी वल शुरू करदे आं, जां फिर संगत हेमकुंड साहिब मत्था टेक के फिर उस तों बाद इत्थे वी आ के एक रात नूं स्टे कर लैंदी। कई शरधालु जिहड़े ओह सिद्धा थल्ले गोबिंद घाट पहुँच जाते हैं, ज़्यादातर लोग इत्थे स्टे करते फिर नैक्सट डे गोबिंद घाट जाते हैं। इत्थे आपां नूं खाण पीण रहन सारा दा जिहड़ी सहूलत उह बाबा जी वल्लों पूरी दित्ती जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आपां हेमकुंड साहिब नूं जाना होवे जां उस तों आउंदिआं रस्ते दे विच इत्थे ठहर सकते हैं, बाहर भी आपां नूं फैसिलिटियां मिल जांदियां वा। होस्टल दे विच होटल भी बने हुए आ, पर गुरद्वारा साहिब दे विच भी स्पेस हुंदी है, जे आपां कमरा होगा कमरा दे देणगे, नहीं तो आपां नूं स्पेस दे देणगे रहण वास्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत वड्डी तादाद दे विच इत्थे हर साल शरधालु आउंदे आ। बाबा मोदन जी भी इत्थे आ के रहिंदे रहे, जिन्हां ने इत्थों जा के हेमकुंड साहिब जी की खोज की, वापस इत्थे आ के आज ट्री आपां रुख वेख रहे हैं, इत्थे आ के रहिंदे रहे हो रुख, जिवें मतलब घर समझ लो उन्हां दा। ते बाबा मोदन जी हवालदार सी बंगाल दे विच, उस तों बाद मुड़ के उन्हां ने हेमकुंड साहिब बारे पढ़िया ग्रंथां दे विच वेदां दे विच, ते हेमकुंड साहिब बारे उन्हें खोज की, उपरों आ के फिर इत्थे रहिंदे रहे। उदों इत्थे सारा जंगल हुंदा सी, ते जंगली जानवरां दा डर भी बहुत हुंदा रात नूं, फिर वह इस दे विच रुख दे विच वो रहिंदे रहे ने। इधर अपना लंगर आला जिथे आपां नूं प्रशादा मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, चाह मिलेगी, सब कुछ खाण पीण वास्ते इत्थों आपां नूं सहूलत मिलेगी। अगर आपां बाहरों खाना पीना तो वह भी मिल जाता, वाधू दुकाना है, तो कढ़ाई वाला दुध मिल जाता, थोड़ा कॉस्टली हूँ, डब्बे वाला दुध हूँ, गुलाब जामुन मिल जाते, जलेबियां मिल जाती, क्योंकि मौसम ठंडा हूँ, तो जोड़े अपने श्रद्धालु आते वह भी ये चीज़ खाते पीते ने ज्यादा। ठीक है, आप भी ऑर्डर देता दुध के गिलास का, तो भाई साहब जी बना रहे हैं, तो मलाई मार के कहते देंगे, दुध रेडी हो गया। तो आप रस्ते दे जो आप आने उदों भी आपको खाण पीन वाली दुकाना जोड़िया रस्ते दे मिलेंगे, स्लोली स्लोली आप जी यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली हों, जिमें 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए डबल, इन्ना फर्क हों, कोई खास फर्क नहीं हों, कि इन्ना क बनता भी इन्हें बेचारे ने 4-5 महीने इन्ना काम करना हों, मुड़ के बंद हो जाता, एक थल्लों समान लैके आना हों उपर, तद करके थोड़ा इन्हों का कॉस्टली हो जाता, जो चाह का कॉफ़ी के रेट दुध का रेट सारा तुम दसता। बाकी वाटर जोड़ा वो कैरी करने की नहीं लोड़, रस्ते दे बने हुए वाटर पॉइंट, एक बोतल कैरी करो तो आप जो वाटर वो आपको मिल जाता। कि रस्ते दे मैडिकल कैंप भी मिल जाते हैं, ये भाजी ने दस रहे थे कि सानू 16 साल हो गए इतने मैडिकल फ्री कैंप लाद, अगर रस्ते दे प्रॉब्लम आती है तो इतों दवाई अपनी फर्स्ट एड लै सकते हैं। मैं अपने बजुर्गों दी कई बार लत्तां थक जांदियां, गोडे थक जांदे, वीर जी हुणी बहुत वधिया सेवा कर रहे हैं, तुहानूं तुसीं रैसट करके फिर अगे जा अपनी यात्रा जिहड़ी ओह पूरी कर सकते जी, जा सकते जी। बाकी डरन वाली कोई गल नहीं हैगी, किवें पहुँचांगे, इन्ने किलोमीटर आ किदां जावांगे, कोई गल नहीं हैगी, वाहगुरू करते जाओ, नाम जपते जाओ, तो अपनी यात्रा जी पूरी बाबा जी ने आप ही कर देनी। हूँ मिलते हैं अपन नैक्सट ब्लॉग के, तद तक लिए रब राखा, सत श्री अकाल।